हम अभी बैठे हुए हैं माँ कामाख्या के टेंपल के पास। हमारे साथ हैं विमल और ये यहाँ के निवासी हैं और इनके साथ मैं आया हूँ और ये हमारे सामने है माँ कामाख्या का टेंपल। लोग यहाँ पे तंत्र मंत्र की साधना कर रहे हैं और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो भी साधना करते हैं उसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये एक पवित्र स्थल है और एक शक्तिपीठ है, तो यहाँ पे जो भी तंत्र मंत्र की साधना करते हैं उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। और आपने देखा होगा कई साधु आते हैं, बोलते हैं जा तेरा भला हो जाएगा, और सही में भला हो जाता है। जा तेरे को पुत्र हो जाएगा, और वो सही में हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उन्होंने सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी हैं। तो और ये अद्भुत दृश्य आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कई ऐसे साधु और योगी देखने को मिलेंगे जो आपको इस प्रक्रिया में मंत्रमुग्ध हैं, अपना साधना कर रहे हैं। और हम प्रसाद ले लें। प्रसाद के लिए हो गया, प्रसाद नारियल लिया, चले। तो हमने प्रसाद ले लिया है और हम जा रहे हैं माँ कामाख्या का दर्शन करने। तो आइए चलते हैं। ले चुका हूँ, ले चुका हूँ। अभी आके पैसे दूंगा, ठीक है। जय हो माँ कामाख्या। माँ कामाख्या सारे भक्तों की मुराद को पूरी करती है। यहाँ पे गणेश मंदिर है और हम गणेश भगवान की पूजा करने जा रहे हैं। सबसे पहले
कामाख्या देवी से जब ऊपर की तरफ आते हैं पहाड़ियों पे, तो पहाड़ों की चोटी पे एक टेंपल है जिसका नाम है भुवनेश्वरी टेंपल। और ये है भुवनेश्वरी टेंपल, ये भी लगभग 7 से लेके 15 तक के सेंचुरी में इसका भी निर्माण किया गया है। और यहाँ पे भी सेम कामाख्या माँ की तरह यहाँ पे गर्भगृह है और यहाँ पे माता भुवनेश्वरी का दर्शन होता है। और उसके जस्ट पीछे एक खूबसूरत सा व्यू पॉइंट है और पूरा गुवाहाटी दिखता है यहाँ से, और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। और जैसा कि देख रहे हैं आप, तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।